हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इस पर आया है, तो आप लोग पहले वाले वीडियोस मेरे देखिए, जिससे आप लोगों को चीज़ें सही और अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 60 तक मैं आप लोगों को करवा चुका था, और मैं आप लोगों को कम से कम 250 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ। सभी वीडियोज़ आप लोग एकदम अच्छे से देखना, आपका अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा। 10 में से मेंस में 8 या 9 क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे, और एक दो क्वेश्चन जो बड़े आते हैं उसके धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो क्वेश्चन भी एक दो जो बचेगा वो भी आप लोग करना शुरू कर दोगे। मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अन अकेडमी प्लस पर। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे ऑनलाइन, यहाँ तो मैं यूट्यूब पर तो पढ़ा ही रहा हूँ, और कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे ज्वाइन करना चाहे अन अकेडमी पर, तो आप लोग एक कोड याद कर सकते हो, पवन मैथ्स, जिससे आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाए। कोई भी आपके आसपास भाई बहन दोस्त ज्वाइन करना चाहे, तो आप लोग, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइन ही करना है, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। थोड़े से अभी वीडियोस कम आ रहे हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियोस की संख्या बढ़ा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास में। ज्योमेट्री की मेरी बुक आ चुकी है, वो आप लोगों ने देख ली होगी, अमेजोन पर आप लोगों को मिल जाएगी। ज्योमेट्री की पूरी जो भी थ्योरी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, किस टाइप से सिस्टमेटिक वे से पूरी लिखी हुई है, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी हैं विद सॉल्यूशन हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगर किसी की ज्योमेट्री वीक है तो उस बुक को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में लिखा हुआ है अक्स की पावर 6 + 1 = 0 है। अक्स की पावर 6 + 1 = 0 है, देन अक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन भी आप लोगों को दूंगा। इसके ऑप्शन है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सी ऑप्शन है ना, और डी ऑप्शन 2 होगा या 3 होगा। तो जैसे अक्स की पावर 6 बराबर 6, अक्स की पावर 6 + 1 = 0 है, तो आप लोग सोचते हो अक्स की पावर 6 = -1 होगा, तो एक्स प्लस 1/x = √3। ध्यान रखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं करवाएं। ये जो क्वेश्चन है एक्स इंटू वाई बराबर 0, ये करवाऊंगा। पहले मैं एक एक पॉइंट लेता हूँ और उसको समझाते चलता हूँ। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक्स इंटू वाई बराबर 0, तो या तो एक्स 0 होगा, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी, या वाई 0 होगा और एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आप लोग ये चीज़ तो अलग से ध्यान रखना, इसको याद रखना, और आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। मैं ये कह रहा था कि एक्स की पावर 6 = -1 है, तो एक्स प्लस 1/x = +-√3 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में √3 मिलता ही नहीं, तो फिर आप लोग सोचते हो √3 लगाना भूल गया होगा और आप लोग इसको टिक कर देते हो। ऐसा नहीं करना आपको, देखो ध्यान देना कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को समझना। ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर ये जो है, अपने पास एक्स क्यूब का भाग दे दो सभी जगह, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ = 0। ये कैसे बन गया? सभी जगह हम लोगों ने क्या किया है, एक्स क्यूब का यहाँ भी एक्स क्यूब का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू वाई बराबर 0, तो दोनों में से एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों एक साथ 0 होना, दोनों एक साथ भी 0 हो सकते हैं लेकिन होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक 0 होगा। तो एक्स प्लस 1/x = अगर 0 है और ये अपने पास ऑप्शन में है, तो ये अपना आंसर होगा। तो कभी भी ऑप्शन अगर इसके ऐसे आ जाए 0, 1, 2 और 3, तो अपना आंसर होगा 0। और कभी भी ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा कि क्या आया, 0 नहीं आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, और √3 अगर आ जाए, तो अपना आंसर होगा फिर √3। ये ध्यान रखना। अब √3 कैसे आएगा वो तो आप लोगों को याद ही होगा, √3 कैसे आएगा वो चीज़ तो आप लोगों को याद ही होगी, √3 वाली वैल्यू आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को याद होगा कि कैसे आएगा। तो देखिए दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है √3 का, कि आप लोग इसको 0 ले लो, या तो अपने पास ये वाला 0 होगा या अपने पास ये वाला 0 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों में से एक 0 होगा, या तो ये 0 हुआ तो ये आंसर है। अब क्यों, और ऑप्शन 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 1 हो गया, बराबर 0 लेते ही 1 आगे ले जाएंगे, दोनों तरफ +2 कर दो,
तो अपने पास ये प्लस टू करोगे तो ये आ जाएगा थ्री, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर, अगर थ्री है तो एक्स का मान जो आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, और अगर रूट थ्री ये वाला ऑप्शन हो तो डायरेक्ट भी याद है कि आप लोगों को ये याद होगा कि एक्स के पावर सिक्स बराबर माइनस वन हो तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास रूट थ्री होता है, उल्टा याद होना चाहिए तभी, और ये उल्टा याद तभी हो पाएगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस को बार 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 करेंगे। अगला जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 62, देखो 62 नंबर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट इज इफ एक्स ग्रेटर देन वन है, ये कंडीशन दी हुई है, एंड एक्स ग्रेटर देन वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। हम लोगों से ये पूछा गया है कि आप लोग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका जो होगा, हम लोग ये लिखेंगे, ऑप्शन भी देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन अगर अलग हों तो मैं लिखता हूँ माइनस रूट फाइव, ओनली प्लस रूट फाइव, और प्लस माइनस रूट फाइव। तो अगर अपने पास ऐसा दिया हुआ हो, इस टाइप से अगर लिखा हुआ हो, तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने का तरीका वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर थ्री एक्स, और सभी जगह एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो वन अपॉन एक्स, और यहाँ डिवाइड करोगे तो थ्री। हाँ ना, बोलो समझ पा रहे हो क्या, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ये आ गया। और प्लस से माइनस बनाना आता है क्या आपको, शुरुआत ही मैंने यहाँ से की थी, प्लस से माइनस बनाना है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसका स्क्वायर करते हैं और चार माइनस करते हैं, नौ में से चार पाँच, तो उसका रूट लेते हैं, तो रूट लोगे तो प्लस माइनस रूट फाइव, लेकिन एक्स ग्रेटर देन वन दिया हुआ है तो ओनली प्लस का रूट फाइव होगा, ये अपना ध्यान रखना, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होगी, अपने पास प्लस का रूट फाइव होगा और ये अपना आंसर है। अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो अपना यह आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 63 में अपने पास लिखा हुआ है रूट थ्री, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे आज तक बने हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इक्व टू जीरो है, ये अपने पास रूट थ्री एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इक्व टू जीरो है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभार ये रूट थ्री की फॉर्म में भी दिया हुआ मिल सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे क्या करते हैं, रूट थ्री एक्स की पावर फोर प्लस रूट थ्री बराबर थ्री एक्स स्क्वायर है, तो रूट थ्री है यहाँ पर, आप एक काम करो सभी जगह रूट थ्री एक्स स्क्वायर से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट थ्री। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास है तो क्या आप लोग एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इसका स्क्वायर करते हैं और दो माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर तीन, तीन में से दो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना एक, ये अपना आंसर होगा। पावर फोर तो कर सकते हो ना, होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू, और इसका टू इधर जाके माइनस करोगे तो आंसर कितना बचेगा वन, ये अपना आंसर। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, और किस टाइप से आ सकता है वो देखने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन क्वेश्चन आसान होगा, और अलजेब्रा के कम से कम आपको 250 क्वेश्चन करवा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा जैसा जैसा बन सकता है, जैसा एसएससी में आया है, जैसा सीडीएस में आया है, या उस टाइप का और कैसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64, रूट थ्री एक्स की पावर सिक्स है, उसके बाद माइनस थ्री एक्स क्यूब है प्लस रूट थ्री इक्व टू जीरो, ये दिया हुआ है, देन हम लोगों से वैल्यू पूछी है कि आप लोग बताइए एक्स की पावर 54 प्लस एक्स की पावर 36 इसका मान हम लोगों से पूछा गया है, रूट थ्री एक्स की पावर सिक्स, थ्री एक्स क्यूब रूट थ्री प्लस बराबर जीरो, और इसका मान हम लोगों से पूछा गया है।
तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको उठाकर आगे ले आओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो पहले वाला ही तरीका जो अभी भी लगा कर आए हैं, बस लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। तो आप लोग डिवाइड करो रूट थ्री एक्स क्यूब से, रूट थ्री एक्स क्यूब से, रूट थ्री एक्स क्यूब से। तो ये तो अपने पास आ जाएगा एक्स की पावर थ्री, वन अपॉन एक्स की पावर थ्री इक्वल्स टू रूट थ्री। ध्यान रखना मैं बार 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 एक ही चीज़ समझाते हुए जा रहा हूँ, अगर कभी भी आप लोगों को रूट थ्री, वन या टू आ जाए तो वो स्पेशल कंडीशन है। अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री हो तो आपको याद होगा a की पावर सिक्स बराबर माइनस वन होता है, ऐसा आपको पता होगा, ये चीज़ आप लोगों ने याद की होगी। तो ध्यान रखना अब की बार a का मान ये दिया हुआ है पूरा, तो a प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री है, तो a का मान ये है a की पावर सिक्स बराबर माइनस वन होगा, तो कि a की पावर एटीन बराबर माइनस वन। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 18 की पावर 3, x की पावर 18 की पावर 2, और ये तो x की पावर 18 प्लस 1 ठीक है। समझ तो पाए हो क्या मैंने क्या समझाया है? मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि कभी भी अगर यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकता है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 बराबर रूट 3, तो a प्लस 1 अपॉन a बराबर रूट 3 हो तो इसकी पावर 6 बराबर अपने पास माइनस वन होगा, ध्यान रखना, तो एक्स की पावर 30 बराबर माइनस वन। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं पाँच आ जाए, एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 भी पहले से आ जाए, तो एक्स की पावर 7 की पावर 6 बराबर माइनस वन होगा, तो एक्स की पावर 42 बराबर माइनस वन। तो ये चीज़ आप लोग समझना, इनको आप लोग याद रखना, इनको आप लोग ध्यान रखना। तो 18 की वैल्यू x की पावर 18 जो है उसकी वैल्यू माइनस वन होगी, यहाँ से x की पावर 3 की पावर 6 बराबर माइनस वन, तो x की पावर 18 बराबर माइनस वन होगा, तो माइनस वन की पावर 3 माइनस वन, माइनस वन की पावर 3 प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू दी भी अब की बार, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, एक्स का मान दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग इसकी वैल्यू बता दीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। इसका मान आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों को दिया हुआ है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स का मान अगर ये है तो वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो वन अपॉन एक्स का मान होगा थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो तीन का स्क्वायर नौ, और नौ का और पांच का स्क्वायर पांच, नौ में से पांच माइनस करोगे तो कितना बचा अपने पास, चार। तो चार और नीचे उसका आधा अगर लिखा हुआ है तो अपने पास यहां पर इससे कट जाएगा, और हमेशा उल्टा आप लोग कर सकते हो। कैसे, क्या समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए एक्स की वैल्यू ये है तो वन अपॉन एक्स का जो मान होगा वो होगा टू अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव। तो यहां पर ऊपर नीचे हम लोग रेशनलाइज करने के लिए थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव, तो ऊपर तो दो गुना थ्री माइनस रूट फाइव बच जाएगा, और नीचे तीन का स्क्वायर नौ में से पांच माइनस करोगे तो चार, और चार से कट गया दो बार, तो क्या ये आ गया है क्या। तो यहाँ से हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये इसका मान तो तुरंत हम लोग बिना देखे ही भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम दो, ये तो कट जाएगा, तो ऊपर छः, छः में टू से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा थ्री। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर थ्री है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इसका क्यूब करते हैं और तीन गुना माइनस करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 18, ये अपना आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में अपने पास लिखा हुआ है a बराबर थ्री प्लस टू रूट टू, a का मान ये दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस 1 अपॉन a की पावर 2 है सॉरी यहां पर अपॉन ए की पावर थ्री, इसका मान क्या होगा। तो ये हमें दिया हुआ है थ्री प्लस टू रूट टू और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो हम लोग क्या करते हैं बताओ,
करने का तरीका क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट अपने पास सभी जगह। पहले तो आप लोग यहाँ डिवाइड करो ए क्यूब का, तो ये आ गया ए क्यूब, यहाँ डिवाइड कर दो तो ए, यहाँ डिवाइड करो तो वन अपॉन ए। एलसीएम को चारों के साथ अलग अलग ले लो, ये बन जाएगा। तो ए का मान तो अपने पास है, वन अपॉन ए की वैल्यू निकालिए आप लोग, तो वन अपॉन ए की जो वैल्यू होगी वो होगी थ्री माइनस टू रूट टू। जब भी अपॉन में वन हो और दोनों का स्क्वायर करने पर अंतर एक का अगर आए तो आप लोग सिर्फ साइन चेंज कर दिया करो, बाकी करने का तरीका तो ये होगा। रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, थ्री प्लस टू रूट टू तो थ्री माइनस टू रूट टू से गुना करेंगे। लेकिन ये चीज़ें याद भी कर सकते हो आप लोग कि जब भी अपने पास अंतर एक का हो और ऊपर इंटू स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस भी एक का हो, तो आप लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो हमें ए प्लस वन अपॉन ए का मान चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया सिक्स। तो ए प्लस वन अपॉन ए का मान तो आ गया सिक्स, और ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मान, ए का क्यूब करते हैं 216 में से 18 माइनस करोगे तो 198, तो आंसर आ गया 204। ये अपना आंसर। क्या ए प्लस वन अपॉन ए आपके पास है तो क्या ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? क्यूब करते हैं तीन गुना माइनस, 216 में से 18 माइनस करोगे 198 प्लस अपने पास 6 है, तो आंसर आ गया 204। ये था क्वेश्चन नंबर 66। हम लोग लगातार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं क्योंकि मेरा जो वीडियो 35-40 मिनट का आता, आप लोग इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को कम से कम एक से डेढ़ घंटा आराम से लग जाएगा। अगर साथ साथ लिखोगे तो हो सकता है ज़्यादा भी टाइम लग जाए, डेढ़ या दो घंटे भी लग जाए, तो इसको कंप्लीट आप लोग टाइम लगाया करो, करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें ये वो इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। 67 देखिए आप लोग, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, अगर मुझे कभी भी एक्स्ट्रा कोई बात करनी होगी तो हम लोग संडे टॉक पर आएंगे, उस दिन हम लोग बातें करेंगे। और हम लोगों से वैल्यू पूछी है कि एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा। ये एक्स का मान दिया हुआ है और वो पूछा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो रेशनलाइज करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बीच में अपने पास अंतर चार का है और नीचे दो लिखा हुआ है तो दो बार कटेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ऐड करेंगे तो तीन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपके पास है तो क्या क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे तो पावर सिक्स चला जाएगा। तो क्यूब की वैल्यू निकालने का तरीका होगा इसका क्यूब करना है और तीन गुना माइनस करना है। सेम क्वेश्चन जैसा पहले किया था, वहां एक्स की वैल्यू ये इतनी देकर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ लिया था, और उसी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, इसलिए तरीके आप लोगों को दोनों याद होने चाहिए, दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ से रूट भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा ठीक तरीका यही है, ऊपर नीचे दो से गुना करो, ये छः आ जाएगा, टू रूट फाइव आ जाएगा, ये टू रूट फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, फोर यानी दो। वो भी तरीका है जो अगले क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 68। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं, 250 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। ए बराबर रूट टू माइनस वन की पावर वन बाई थ्री, देन वैल्यू पूछी है ए माइनस ए इनवर्स की पावर थ्री प्लस थ्री ए माइनस ए इनवर्स। तो याद रखना ए इनवर्स के मतलब होता है वन अपॉन ए, ए इनवर्स का जो मतलब होता है वो वन अपॉन ए, तो ए माइनस वन अपॉन ए का क्यूब ए माइनस वन अपॉन ए। तो मुझे बताइए अगर आपके पास ए माइनस वन अपॉन इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्यूब करते हैं, इसका हम लोग यहां पर क्यूब कर लेंगे, इसका क्यूब कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए बी का मान वन, ए माइनस वन अपॉन ए। तो ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया, हमें ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब का मान कितना होगा रूट टू माइनस वन,
और वन अपॉन ए क्यूब का मान कितना होगा, रूट टू प्लस वन, क्योंकि स्क्वायर करने पर अंतर कितने का है, एक का, रूट दो का स्क्वायर दो, वन का स्क्वायर वन, स्क्वायर करने पर अंतर एक का है, तो रूट टू माइनस वन, रूट टू प्लस वन, तो माइनस करना है। यहाँ से डायरेक्ट ही क्यूब कर दिया हम लोगों ने, ए का मान रख के फिर क्यूब मत करना, डायरेक्ट ही क्यूब कर दिया हम लोगों ने, तो मुझे बताइए ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब कितना होगा, तो माइनस और माइनस, तो ये कट गया माइनस टू, ये अपना आंसर। क्वेश्चंस देखना, ऐसे आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, माइनस टू, टू, टू रूट टू और वन, ऐसे अपने पास ऑप्शन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। अगला समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है ए बराबर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ए बराबर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, देन हमें वैल्यू पूछिए रूट ए माइनस वन अपॉन रूट ए क्या होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से एक तो तरीका ये है कि ऐड करने पर पाँच आए और गुना करने पर अपने पास छः आए, तो क्या तीन और दो होंगे क्या, तीन और दो अगर होंगे तो रूट ए की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको दोनों तरफ रूट कर देंगे तो ये आएगा इसका स्क्वायर तीन, इसका स्क्वायर दो प्लस टू रूट सिक्स, ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ वन अपॉन रूट ए का मान क्या होगा, स्क्वायर करने पर अंतर अगर एक का हो तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दिया करो, अब ये बात आपको याद हुई होगी, तो रूट ए की वैल्यू रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, तो रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू, तो आंसर कितना आ गया टू रूट टू। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आगे एक क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा, तो यही अपना वो क्वेश्चन है कि रूट ऐसे लेते हैं जब टू रूट सिक्स हो, ये सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सीखोगे, बाकी आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे करो, अगर आप लोग ये रूट नहीं लेना चाहते तो इसी क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, बराबर वाई मान लो, इसका स्क्वायर कर दो ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू बराबर वाई स्क्वायर, तो ए का मान अगर अपने पास ये है तो वन अपॉन ए का मान कितना होगा फाइव माइनस टू रूट सिक्स, और यहाँ से आप लोग a प्लस वन अपॉन ए का मान निकालो जो कितना आ जाएगा दस, वो यहाँ रख दो, दस में से दो माइनस करोगे तो आठ, आठ बराबर वाई स्क्वायर है, तो y के बराबर चाहिए, तो y बराबर टू रूट टू। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जो ये भी आसानी है, और इनका रूट कैसे करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, वो सिंप्लीफिकेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उस टाइम आप लोग उनको सीखोगे। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 69 अभी अभी हम लोग कर चुके हैं। अक्स बराबर रूट फाइव, 2017 मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े अलग है। तो इसने पूछा है कि अक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन अक्स की पावर फोर क्या होगी, और ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन है पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा क्या कोई, या पूछा है कि अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ऐसे हैं इसके, लेकिन करनी नहीं, इरेशनल बट नॉट सर्ट्स। अगला हम लोगों को कहा गया है करनी सर्ट्स, और उसके बाद कहा है परिमेय लेकिन पूर्णांक नहीं। सर्ट्स का मतलब जैसे पावर वन बाई थ्री, ऐसे तो नहीं है, इसको तो बोलते हैं घातांक, पावर दो पावर तीन, और अपने पास पावर वन बाई थ्री, पावर वन बाई फोर, पावर वन बाई फोर, अपॉन में अगर चले तो इसको करने सर्ट्स, किंतु पूर्णांक नहीं, परिमेय रेशनल बट नॉट इंटीजर। तो ये इसके ऑप्शन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान अगर ये है तो वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट फाइव प्लस रूट टू,
अपॉन रूट फाइव माइनस रूट टू उल्टा हो जाएगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है शुरुआत वाला, तो मैं फर्स्ट टाइम से पहले वीडियो से आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूँ कि अपने पास पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू को ऐड करना पड़े कभी भी, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान जो होगा वो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सात का डबल अपने पास 14, तो 14 अपॉन 3। यह आपको पता होगा कि जब भी इन दोनों को ऐड करना पड़े p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू और p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू की फॉर्म हो, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस कर देंगे, तो अपने पास फिर से फ्रैक्शन में आएगा। फिर से पावर 4 निकालनी है तो स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे तो फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो पूर्णांक तो अपने पास हो नहीं सकता, लेकिन एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होगा तो रेशनल नंबर बट नो इंटीजर, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। इसको यहाँ से आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं देख सकते हो, 2 माइनस कर लोगे तो ऊपर भी एक नंबर आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा। अगला नंबर फिर से स्क्वायर करके माइनस कितना करना है, 2, तो वो एक रेशनल नंबर होगा लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, तो ये अपना आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। इसके ऑप्शन थोड़े से अलग थे, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवा दिया है। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है इफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हम लोगों से पूछा है, तो अब एक्स माइनस वन का मान बताओ क्या होगा, एक्स वन की वैल्यू होगी रूट थ्री प्लस रूट टू, ये इधर ले बड़ी वाली वैल्यू पहले छोटी वाली वैल्यू बाद में, तो बताओ एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, रूट थ्री प्लस रूट टू। वही आप लोग उल्टा करना पड़े तो आपको पता है कि स्क्वायर करके एक माइनस, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि रूट थ्री माइनस रूट टू होगा, लेकिन एक स्टेप मैं बढ़ाकर आपको बता ही देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। तो एक्स का जो मान होगा वो होगा 1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, वन अपॉन एक्स इसके जो वैल्यू होगी वो होगी रूट थ्री माइनस रूट टू, तो ये कट गया, आंसर आ गया 1 प्लस टू रूट थ्री। ऐसा ही अपने पास ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अगला करते हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 71। चलो अगला करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। 72 में एक्स बराबर सेम क्वेश्चन आपको खुद को करना है और आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं। 1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए जब एग्जाम में मिलेंगे तो आपको लगेगा कैसे सोल्व होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस एकदम आसान होता है। जो जस्ट पहले वाला करवा के आया हूँ सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्यूब बना लो एक्स क्यूब यही आ जाएगा, और वहाँ एक्स मार्क का मान दिया हुआ था, फिर यहाँ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पूछ लिया, यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू देकर एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन पूछ लिया। अपने आप करने की कोशिश करना, सेम वही आंसर होगा, कोशिश करना करने की। अगला देखिए 73 में अपने पास लिखा हुआ है एक्स इंटू, क्वेश्चन ऐसे है और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको बड़े अजीब से लगते हैं कि कैसे सोल्व करें, बाकी होते आसान है, बराबर 2/x, और हम लोगों से पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बता दो आप, यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ ले, तो हमारे दिमाग में यही क्या आना चाहिए कि हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए। अगर हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पता लग जाए तो फिर हम लोग पता कर सकते हैं, कुछ भी हम लोगों से पूछ ले वो सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। तो इससे गुना करोगे तो ये बन गया 2x, इससे गुना करोगे तो 3 बराबर 2/x, 3 आगे चला जाएगा अपने पास, 3 तो आगे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या 3/2 आ गई क्या, हाँ ना बोलो सही है क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ये दिया हुआ था, एक्स 2x इंटू 2 माइनस 2/x और एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान हम लोगों से पूछा है, तो ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर हम लोगों से पूछा है तो हमें वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पता होनी चाहिए,
तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 प्लस करते हैं अब की बार 16 और 9, अपने पास 25। 25/4 का मतलब क्या है, 5/2 आ गया है क्या? तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 5/2। क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग कभी भी अगर क्वेश्चन हम लोगों को करना पड़े कि माइनस से प्लस बनाना पड़े तो स्क्वायर करते हैं और 4 हम लोग प्लस करते हैं, माइनस बनाना पड़ता तो 4 माइनस करते, ही आप लोगों को ऐसा पता होगा। और इसकी वैल्यू अगर है तो इसका मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो यहाँ पर, तो 125 आ गया, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया 75/8। अगर आप लोग उसमें से 60 माइनस कर लोगे 65 ही आएगा ना, तो 8 and 1/4, ये 8 and 1/8, ये अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 74। तो हम लोग अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू अगर माइनस 1 है, देन आप लोगों से वैल्यू पूछे कि x क्यूब माइनस 18 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इंटू करोगे तो ये अपने पास x माइनस 3 बराबर माइनस 1/x, इसको इधर ले आओ। ये हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन होंगे अब आसान, तो इसका क्यूब करो, x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 3 का क्यूब करते हैं और 9 माइनस करेंगे तो 18। हमें x क्यूब माइनस 18 चाहिए तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, और ये भी इसने इससे इंटू कर दिया, आगे रखा ही नहीं कुछ, तो आंसर कितना आ गया -1, ये अपना आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, फिर इसके बाद ये पॉइंट खत्म हो गया पहले वाला। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। और ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था इस कॉन्सेप्ट पर, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका आज की क्लास में बताया है, थोड़ा सा पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को तो हमेशा आपको खुद को ही करना चाहिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना और आंसर बताना। क्वेश्चन क्या सही लिखा है क्या मैं देख लेता हूँ। एक्स क्यूब 2/x³, 2 नहीं है, ये अपने पास 3 है। 75 में माइनस √3/x³, और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक और कमेंट तो करना ही है। ओके, थैंक यू।